नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो होने वाला है प्रॉपर अपर्चर के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से अपर्चर का यूज़ करके आप डेफ्थ को और लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में प्रॉपर बताने वाला हूँ। और मैं कुछ सेपरेट बेसिक वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए कि एक्चुअल में शटर स्पीड क्या होता है, अपर्चर क्या होता है। और एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि ISO क्या होता है, किस तरह से उसको यूज़ करना है, क्योंकि इन्हीं तीनों का यूज़ करके, इन्हीं ट्राइंगल का यूज़ करके हम एक्सपोजिंग या लाइट को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कुछ ही लाइन में जानना चाहते हैं कि अपर्चर क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अमाउंट ऑफ लाइट के, कितने अमाउंट लाइट आपके कैमरे में आना चाहिए और जिसके मदद से हम डेप्थ ऑफ फील्ड को और लाइट को कंट्रोल करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से आप डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट कर सकते हैं और लाइट किस तरह से इफेक्ट करता है, किस कंडीशन में हमें क्या लाइट चाहिए और लाइट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, प्रॉपर इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, रिसेंटली मैंने जो वीडियो बनाया इससे पहले कि शटर स्पीड क्या होता है, मैं सेपरेट इसलिए बना रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए मैं एक साथ भी बना सकता हूँ वीडियो, और मैंने पहले भी कुछ वीडियो बनाए थे, बट मैं सोचता हूँ कि कुछ चीज़ें होती है ना सेपरेट अगर बनाया जाए तो समझ में भी अच्छी आएगी। इस वजह से सबसे पहले मैंने शटर स्पीड को बताया है, उसके बाद जो ये वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि अपर्चर क्या होता है, इसके बाद एक और वीडियो आपको देखने को मिलेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ISO का क्या होता है, इसका रोल क्या है और लाइट को किस तरह से इससे ISO से भी आप मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि अपर्चर क्या होता है, कैसे दिखाई देता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में अपर्चर होता क्या है। तो अगर आपने कभी अपने लेंस को रिलीज़ किया होगा और रिलीज़ करने के बाद अगर आपने या तो फ्रंट से या फिर बैक से लेंस के अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे कुछ ब्लेड्स और एक होल टाइप का दिखता है। तो एक्चुअल में अगर आप उस अपर्चर लीवर को अगर आप पीछे की ओर बैक करते हैं तो आपको दिख जाएगा कि एक्चुअल में अपर्चर क्या होता है, कैसा दिखता है। अपर्चर आपके लेंस में होता है, ब्लेड्स होते हैं जिसके मदद से उसको छोटा और बड़ा करके, या फिर आप कह सकते हो नैरो और वाइड करके हम लाइट को पास करते हैं और डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे देखा जाए तो अपर्चर दो तरह की चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहला है डेप्थ ऑफ फील्ड को और दूसरा है लाइट को। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि डेप्थ ऑफ फील्ड को कैसे कंट्रोल करता है, डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है, उसके बाद मैं बताऊँगा कि लाइट को कैसे कंट्रोल करता है या कैसे लाइट को इफेक्ट करता है हमारा अपर्चर को यूज़ करने पे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताऊँ डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊँगा जिससे कि आपको पता चलेगा डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, कुछ फ़ोटो या फिर वीडियो में आपने देखा होगा जिससे कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है एकदम क्लीन एंड शार्प होता है, और बैकग्राउंड की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ब्लर होता है, ठीक है। मतलब ब्लरनेस की वजह से वो कुछ दिखाई नहीं देता बैकग्राउंड में। और कुछ वीडियो या फिर कुछ फ़ोटो आपने ऐसे भी देखी होंगी जहाँ पे क्या होता है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है वो शार्प एंड क्लीन होता है, या फिर बैकग्राउंड की बात करूँ तो वो भी शार्प एंड क्लीन होता है। तो इसी को हम डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। बट यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड के भी दो तरीके होते हैं जहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड को एक्सप्लेन किया जाता है। एक तो होता है शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड और दूसरा होता है ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैमरे में आप अपर्चर वैल्यू या फिर अपर्चर नंबर को किस तरह से जानेंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि कैमरे में आपने एफ वैल्यू या एफ नंबर आपने देखा होगा, उसी को आप अपर्चर नंबर या अपर्चर वैल्यू कह सकते हैं। तो जब आपका नंबर बड़ा होगा, मतलब 9, 10, 11 होगा, तो आपका जो अपर्चर होगा वो नैरो होगा, मतलब छोटा होगा। इसमें थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि जब हमारा नंबर बड़ा होता है, एफ नंबर एफ वैल्यू बड़ा होगा, तो आपका जो अपर्चर वैल्यू होगा नैरो होगा, छोटा होगा, ठीक है। और जब नंबर छोटा होगा, एफ नंबर छोटा होगा, तो आपका अपर्चर वो वाइड होगा, वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, नंबर छोटा, ठीक है, अपर्चर वैल्यू बड़ा, ठीक है, और नंबर बड़ा अपर्चर वैल्यू छोटा, मतलब नैरो। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये तो और ध्यान से सुनिएगा कि आप एक शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे क्रिएट कर सकते हो और एक ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे क्रिएट कर सकते हो, और इन दोनों की यूज़ करने से आपके लाइट पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, अगर मैं शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड की अगर मैं बात करूँ, क्या मतलब क्या होता है कि अगर आपने एफ नंबर एफ वैल्यू को ज़्यादा छोटा रख रखा है। दोस्तों, जैसे कि मेरा जो लेंस है वो F2 है, इसका मतलब है कि अगर मैं F2 पे इस लेंस को यूज़ करूँगा, चाहे मैं फ़ोटो शूट करूँ या फिर वीडियो शूट करूँ, तो जो मेरा बैकग्राउंड होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्लर होगा। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल बता देता हूँ कि अगर मैं अपने लेंस के और ज़्यादा क्लोज जाता हूँ,
ठीक है, तो मेरा जो बैकग्राउंड होगा वो और भी ज़्यादा ब्लर होगा। अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं अपने सब्जेक्ट, तो दोस्तों अगर मैं अपने कैमरे के और भी ज़्यादा क्लोज आ गया हूँ अब, तो आप देख सकते हो मेरा जो बैकग्राउंड है ना और भी ज़्यादा ब्लर हो गया है। तो दोस्तों अगर आप एक शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको अपर्चर, जो आपका एफ नंबर है, जितना हो सके उतना कम करना है। अगर आप एफ नंबर, एफ वैल्यू को कम करते हैं तो आपका अपर्चर ब्लेड ज़्यादा ओपन होगा, ठीक है, जिससे कि आप एक शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब लाइट कैसे इफेक्ट करता है, तो जैसे मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकली अगर देखेंगे इस लेंस में, जैसे मैं लीवर को प्रेस करता हूँ, पीछे की ओर खींचता हूँ, तो देखिए ना होल बड़ा और छोटा हो रहा है। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा वाइड ओपन अपर्चर वैल्यू होगा, जितना ज़्यादा बड़ा अपर्चर होगा, आपका जो लाइट होगा उतना ज़्यादा पास होगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर मैं किसी भी प्लेस में अगर वाइड ओपन अपर्चर को यूज़ करता, मुझे ज़्यादा लाइट मिलेगा। तो बिल्कुल सही है, जितना ज़्यादा वाइड ओपन अपर्चर आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपके कैमरे में लाइट आएगा, ठीक है। अब आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ कि जब भी आप शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करोगे, आपका जो फोकस का डिस्टेंस होगा ना वो भी बहुत छोटा होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है पीछे जो मेरा बैकग्राउंड ब्लर है ना, पीछे कोई खड़ा होगा तो वो फोकस में नहीं आएगा, ठीक है। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब यही होता है कि जो अगर मैं फोरग्राउंड की बात करूँ तो वो भी ब्लर होगा, सिर्फ मैं जो बैठा हूँ मिडिल ग्राउंड, ये आपका फोकस में होगा और बैकग्राउंड भी डी फोकस होगा। तो यहाँ पे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में मैं एक और चीज़ ऐड करने वाला हूँ, मैंने अभी बता दिया है, जैसे कि जैसे ही आप कम से कम नंबर यूज़ करेंगे, इसका मतलब जो फोकस का डिस्टेंस होगा ना वो बहुत ही कम होगा। मैं एक पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा जिसमें प्रॉपर पता चल जाएगा कि एफ वैल्यू कम यूज़ करने पर जो फोकस का डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। तो दोस्तों अब तो आपको पता चल गया होगा कि वाइड ओपन अपर्चर यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है। एक तो आपको जो बैकग्राउंड होगा बहुत ज़्यादा ब्लर होगा, और दूसरा जो लाइट आएगी आपके कैमरे में वो भी बहुत ज़्यादा आएगी। तो जब भी आप एक्सपोजिंग करते हो, जब भी आप एक्सपोजर कंट्रोल करते हो ना, लाइट को कंट्रोल करते हो, तो हो सके तो अपने जो लेंस में ना जो अपर्चर वैल्यू उसे कम से कम रखें, ताकि आपका जो लाइट हो अच्छा पास हो आपके कैमरे में। और तो दोस्तों सॉरी, वीडियो को मैं शॉप में कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो अब हम बात करते हैं कि हम ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इससे लाइट इफेक्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड होता क्या है। इससे पहले भी मैंने छोटा सा एग्जांपल आपको दिया था कि किसी इमेज में, किसी भी इमेज में अगर आप ऐसे देखते हैं कि उसका फोरग्राउंड, उससे मिडिल ग्राउंड, उसका बैकग्राउंड अगर प्रॉपर क्लियर एंड शार्प है, तो समझ जाइए कि वो ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड वो इमेज है, उसको आप ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड कह सकते हैं, जिसका बैकग्राउंड भी बिल्कुल क्लीन होता है। ऐसे ज़्यादातर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी में देख सकते हैं, जहाँ पे अगर कोई फोटोग्राफी करता है तो वो काफ़ी लंबे दूर तक, जो आपका फोकस है काफ़ी लंबे दूर तक रहता है। तो इससे आप ऐसे इमेज से आप समझ सकते हो कि इसमें जो डेप्थ यूज़ किया गया है, या फिर जो इसको कह सकते हो ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड कह सकते हो। अब इससे लाइट कैसे इफेक्ट करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ग्रेटर डेप्थ फील्ड पाने के लिए आप कैसे समझ सकते हैं कि मुझे ये वैल्यू यूज़ करना है अपर्चर का, तो मुझे ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जब भी आप एफ वैल्यू को, एफ नंबर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि आप F7 पे फ़ोटो शूट कीजिए, या F8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 पे शूट कीजिए, तो यहाँ पे क्या है कि एक ये नैरो अपर्चर्स होते हैं जहाँ पे आप एफ वैल्यू को बढ़ाते हैं, और जो उसका होल होता है वो काफ़ी छोटा हो जाता है। तो इससे क्या है दोस्तों, कैमरे में लाइट कम पास होती है, बट यहाँ पे क्या होता है कि जो फोकस का डिस्टेंस होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, तो कभी भी अगर आप नॉर्मली, अगर मोटर की जो पाइप होती है आप नॉर्मली बस पकड़ के रखेंगे, तो पानी कहाँ तक गिरती है, पास में गिरेगी आपको। और जैसे ही आप प्रेशर करेंगे, उसको प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, जो मोटर का जो पानी होगा ना वो काफ़ी आगे तक जाएगा। तो सिंपली आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे भी हम नैरो अपर्चर का यूज़ करते हैं, जो फोकस होता है ना वो एक सीध में काम करता है, तो फोकस का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पर। तो दोस्तों स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि जब भी आप अपर्चर वैल्यू को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे दो चीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर इफ़ेक्ट करेगी। एक तो या तो वो डेप्थ ऑफ फील्ड को इफ़ेक्ट करेगी, या फिर आपको लाइट इफ़ेक्ट करेगी। तो आप सिंपल से समझ लीजिए, अगर आपको ज़्यादा ब्लर चाहिए, ठीक है, अच्छी लाइट आपके कैमरे में चाहिए, तो आप एफ़ वैल्यू को कम से कम यूज़ करें, जितना आपके लेंस में होगा कम से कम यूज़ करें। और ख़ासकर कुछ ऐसे लेंस भी है जहाँ पे वो अच्छे डेप्थ ऑफ फील्ड, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं प्राइम लेंस की बात करूँ, ख़ासकर निकॉन, कैनन, सोनी जैसे जो प्राइम लेंस बनाती है, 50mm, 35mm, 1.8,
F85 1.8 ऐसे लेंस जो होते हैं बहुत ही बढ़िया बोके इफेक्ट्स देते हैं। और यहाँ पे क्या है कि खासकर पोर्ट्रेट में जब आप इवनिंग या फिर नाइट में ऐसे जगह शूट करते हैं तो आपको कैमरे में अच्छी लाइट मिलती है। तो दोस्तों अगर आपके कैमरे में अच्छी लाइट चाहिए तो जो एफ नंबर को कम से कम यूज़ करें, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर आप ऐसा फोटोग्राफी चाहते हैं जहाँ पे आप एक लैंडस्केप फोटोग्राफी या फिर आप कह सकते हैं ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड फोटोग्राफी ऐसे करना चाहते हैं जहाँ पे आपका मिडिल ग्राउंड बैकग्राउंड बिल्कुल शार्प एंड क्लीन हो, तो एफ वैल्यू को हमेशा 9, 10, 11 तक यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको क्या है कि जो आपको इमेज मिले वो प्रॉपर अच्छे डिस्टेंस में आपको प्रॉपर एंड शार्प मिले। खासकर अगर जब आप वेडिंग पे शूट करते हैं तो स्टेज पे शूट करने जाते हैं तो 8, 9, 10 पे आप फोटोग्राफी शूट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि जो मेरी रॉ है, जो मेरी लाइन होनी है वो 2 से 3 भी हो जानी है, तो वहाँ पे क्या है कि मुझे प्रॉपर जो मेरी 1, 2, 3 लाइन होनी है वो प्रॉपर मुझे शार्प चाहिए, तो लोग ज़्यादा नैरो अपर्चर का यूज़ करते हैं। बट कोई बात नहीं, नाइट में भी वो लाइट प्रॉपर होती है क्योंकि उनके पास फ्लैशेज होती है, आर्टिफिशियल लाइट्स होते हैं, तो यहाँ पे वो लाइट को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो से आपने आसानी से समझ लिया होगा कि अपर्चर का यूज़ करने के बाद आपको किन दो चीज़ों को इफेक्ट करती है, लाइट को कैसे हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और यहीं पे अगर मैं सिंपली दो लाइन में अगर बोलना चाहूँगा कि अपर्चर क्या होता है, तो अपर्चर अमाउंट ऑफ लाइट, कितने अमाउंट में आपको लाइट चाहिए आपके कैमरे में, तो ये डिसाइड करता है आपका लेंस। आई होप दोस्तों मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने का ज़रूर मिला होगा। और दोस्तों अगर चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ मैं हमेशा शेयर करते रहता हूँ, तो दोस्तों चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी वीडियो को मिस ना कर सको। तो चलिए दोस्तों एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।